संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, मैं हूँ संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे कोरोना की रफ्तार की। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है। दमोह नहीं बल्कि संपूर्ण देश में ही कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। देश में लगभग 2,71,000 से अधिक मामले सामने आए। वहीं दमोह में आज 38 मामले सामने आए हैं, जिसमें शहर सहित ग्रामीण अंचल शामिल है। महाकाली चौराहा, बड़ा पुल, सिविल वार्ड के अलावा ग्रामीण अंचल से भी मामले सामने आए हैं। पहले हम आपको शहर के मरीजों के संबंध में जानकारी दे देते हैं। सिविल वार्ड नंबर 6 प्रोफेसर कॉलोनी, विवेकानंद नगर, महाकाली चौराहा, बड़ा पुल, सिविल वार्ड, महावीर वार्ड, जबलपुर नाका, धर्मपुरा वार्ड, कोटेरा वार्ड नंबर 2, खजरी मोहल्ला, गार्ड लाइन, वर्धमान कॉलोनी, ग्राम भदौली, बड़ी तिंदनी, ग्राम बांधकपुर, वार्ड नंबर 14 हिंडोरिया, फ्रिया मंडा, सदगवा पथरिया से 3 मरीज सामने आए हैं। वहीं बरधारी से भी एक मामला सामने आया है। सदगवा पथरिया के वार्ड नंबर 15, 8, 6 से मरीज सामने आए हैं। वहीं किशनगंज से भी मामले 3 सामने आए हैं। जबीरा ब्लॉक से भी 2 मामले सामने आए हैं। वहीं सिग्रामपुर से एक मामला सामने आया है। एक जबीरा खास से मामला सामने आया है। ब्लॉक ऑफिस के पास बटियागढ़ से मामला सामने आया है। हटा से 2 मामले सामने आए हैं। गैसाबाद कचनारी से भी एक मामला सामने आया है। कुल 38 मामले सामने आए हैं। लगातार इनका उपचार जारी है, लगातार डॉक्टर इन पर निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, बिना मास्क के घरों से ना निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें ताकि तीसरी लहर से आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए।